कोरोना के संदर्भ में भी विस्तृत समीक्षा मंत्रिमंडल के साथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और विभागीय अधिकारियों के साथ किया। सौभाग्य से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी एस सिंहदेव जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उस मीटिंग में जुड़े थे। विभाग ने जो प्रेजेंटेशन दिया, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो संक्रमण का दौर है दूसरे दौर का, वो काफ़ी विस्तारित हो रहा है। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तुलना में अब हम लोग भी कोरोना के संक्रमण में छठवें पायदान में पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र अभी भी प्रथम पायदान में है, और इसलिए जो कोरोना गाइडलाइन किस तरीके से और छत्तीसगढ़ में बनना चाहिए, इस पे काफ़ी विचार विमर्श हुआ है। दो तीन प्रमुख बातें आज निर्देश जारी हुए हैं। आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल कॉलेज कोई भी जो थोड़ा भी अगर खुल रहे हैं तब कहीं संचालित नहीं होगा, बंद किए जाएंगे। कहीं भी अगर क्लासेस आवश्यक हुआ तो ऑनलाइन ही किया जाएगा। एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन करने के बारे में ही विचार हुआ है, और कोरोना गाइडलाइन के होली के संदर्भ और संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में अफसरानों की एक बैठक करके, क्योंकि विभिन्न जिलों से ये कोरोना के जो संक्रमण का जो प्रतिशत बढ़ने वाला प्रतिशत है उसको मंगा करके समीक्षा करने की बात कही है, ताकि होली के पहले इस संदर्भ में पूरा दिशा निर्देश जारी हो जाए।